मेकी शोभना में आपका स्वागत है। हम पहुंच गए हैं उम्मेद सिंह भवन पैलेस। महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा बनवाया गया ये महल 1928 में बनना शुरू हुआ, 1944 तक बना। ये चित्तर की पहाड़ियों पे बना हुआ है, इसलिए इसे चित्तर पैलेस भी कहते हैं। महल काफ़ी बड़ा है, अभी इसको तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक भाग में होटल है, एक भाग में म्यूजियम है और एक भाग में महल में अभी भी राजा का परिवार रहता है। आप इस मॉडल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महल कितना बड़ा है। और ये है पुराना किला मेहरानगढ़ किला, इसको आगे वीडियो देखते रहिए, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और ये महल इंटरलॉकिंग ब्लॉकिंग सिस्टम से बना है, इसमें सीमेंट का यूज नहीं है, लेकिन उस ज़माने में भी पूरे महल में एसी प्लांट लगाया हुआ था। इस महल के होटल का किराया एक रूम का एक दिन का 50,000 से 7 लाख रुपये तक है। इस महल में अपने देश से और बाहर के देशों से भी सेलिब्रिटीज अपने स्पेशल इवेंट सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। ये जो बिल्डिंग आप बाहर से देख रहे हैं उसी के अंदर म्यूजियम है और ये एंट्री है म्यूजियम के लिए, तो चलिए चलते हैं अंदर। जैसे ही हम एंटर होते हैं म्यूजियम में, महाराजा उम्मेद सिंह की वेलकम करते हुए फोटो सबसे पहले हमको देखने को मिलेगी। महाराजा उम्मेद सिंह का जन्म 1903 में और मृत्यु 1947 में हुई। उनकी मृत्यु शिकार करते समय एक अटैक आने के कारण हुई थी। महाराजा उम्मेद सिंह को आधुनिक जोधपुर आधुनिक मारवाड़ का निर्माता और जनक भी कहते हैं। उन्होंने अपने इस छोटे से कार्यकाल में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत बड़े बड़े काम किए। शिक्षा, चिकित्सा और खेल सभी क्षेत्रों में उन्होंने काम करवाया और उनका बहुत बड़ा योगदान था हवाई पट्टियों के निर्माण के क्षेत्र में। ही हैड 7 मॉडल्स ऑफ एयरक्राफ्ट एज ही वॉज हिमसेल्फ एन एक्सपर्ट पायलट। हवाई पट्टियों का निर्माण उन्होंने बहुत तेजी से करवाया। एक कहावत भी उन दिनों प्रचलित हो गई थी कि इतने तो आसमान में पक्षी भी नहीं उड़ते जितने धरती के बाशिंदे उड़ने लगे हैं। पोलैंड के एक पेंटर द्वारा बनाई हुई ये पेंटिंग दिखाती है मुगलों और राजपूतों की लड़ाई को। ये फोटो गैलरी है जहाँ पॉलिटिकल इवेंट्स को दिखाते हुए बहुत सारे फोटोज लगे हुए हैं। ये फोटो है महाराजा उम्मेद सिंह की उनकी रानी के साथ में और उनके परिवार के साथ में। महाराजा उम्मेद सिंह ने सादगी की एक मिसाल दी थी क्योंकि उन्होंने अपना विवाह एक बहुत ही साधारण सी राजपूत कन्या से किया था। इस बोर्ड पे आप उनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ सकते हैं, उनके कार्यों को पढ़ सकते हैं। ब्रिटिश अधीन भारत में भी उन्होंने बहुत उन्नति की थी। महाराजा ने जवाई डैम और हॉस्पिटल बनवाए, ये उनकी फोटो है। इन लेपर्ड का शिकार भी राजा ने ही किया था, इनकी स्किन असली है और इनको स्टफ किया हुआ है शेप देने के लिए। अब देखिए चीनी मिट्टी के सुंदर सुंदर डिजाइन वाली क्रॉकरी। ये सारे बर्तन पहले महल में यूज होते थे। वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है, वीडियो अभी बाकी है मेहरानगढ़ किले का। मेहरानगढ़ वो पुराना किला है जहाँ पहले ये शाही परिवार रहता था। यहाँ आप कार्विंग वाले मिरर्स देख सकते हैं जो बहुत खूबसूरत है और तरह तरह के यहाँ बाउल्स रखे हैं, ग्लास रखे हैं, पॉट्स रखे हैं जिनके डिजाइन बहुत सुंदर है। ये बेल्जियम के कांच वाले आइटम हैं। इस कॉर्नर में आप देखेंगे परफ्यूम के सुंदर सुंदर बॉटल्स। महाराजा के जो विदेशी मित्र थे वो उनके लिए इत्र लेकर आते थे, अपने देशों की खुशबू बोतल में बंद करके यहाँ उनको गिफ्ट करते थे। और ये बोतल्स कितनी सुंदर हैं देख। कुछ ऐसे औजार देखिए जो लड़ाई और शिकार में काम आते थे। यहाँ रखी हुई है पोलो गेम से रिलेटेड वो सारी चीज़ें जो उस गेम में यूज की जाती है। ये खेल पहले राजा और बड़े लोगों में ही खेला जाता था, उस समय बहुत फेमस था। यहाँ आप देख सकते हैं राजा और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा जीती हुई बहुत सारी ट्रॉफी यहाँ रखी हुई है। और इतने सारे पुरस्कार देख के लगता है कि वो इस खेल में बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। वैसे इस खेल के नियम हॉकी खेल जैसे होते हैं और हॉकी खेल के नियम खुलिया जैसे होते हैं। हॉकी और खुलिया घोड़ों पे बैठ के नहीं, दौड़ दौड़ के खेला जाता है। और ये ट्रॉफी है सिल्वर मेडल की। ये फोटो है रॉयल फैमिली के उन मेंबर्स का जो पोलो खेलते थे। इस डाइनिंग टेबल पर और आसपास में जितनी भी सारी चीजें रखी है बिल्कुल यूनिक है। यहाँ टी सेट रखा है जो चीनी मिट्टी का और सिल्वर का है। और ये है उनका 19th सेंचुरी वाला म्यूजिक सिस्टम।
ये म्यूजियम के अंदर की तरफ का आंगन का व्यू है और कॉरिडोर का व्यू है। यहाँ रखे हैं कांच के सुंदर सुंदर डिजाइनों वाले लेंस। ये फोटो महाराजा के युवावस्था के हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए चलते हैं अंधेरे से उजाले की ओर। इस जगह पे जो पेंटिंग लगी है उसमें रामायण के कुछ प्रमुख भागों को दिखाया गया है, जिसमें से एक दृश्य है सीता हरण का और एक दृश्य है जब सीता माता धरती में समाई थी तब का। And this is a very interesting part of this museum and video. As we can see here, amazing, unique and matchless collection of different types of clocks, watches and table clocks. इस म्यूजियम का ये पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि हम एक साथ इतनी तरह तरह की घड़ियाँ यहाँ देख सकते हैं। शायद ही कहीं और एक साथ इतनी घड़ियाँ देखने को मिले जो तरह तरह के डिजाइन में हैं, तरह तरह के शेप में हैं, बहुत ही सुंदर है। और अब आप जो ये पंखा देख रहे हैं, उस जमाने का पंखा इस जमाने में भी हवा देता है। इसी वीडियो में एक जगह आपने दो पंखुड़ी वाला पंखा भी देखा होगा, पहले उस तरह के भी पंखे होते थे। और एक फैन की पंखुड़ियाँ तो लकड़ी की बनी हुई है। उस टाइम में भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की घड़ियाँ बनी थी। इन कुछ घड़ियों में उस समय दिन महीना और साल भी देख सकते थे। शिप के आकार में बनी हुई ये घड़ी सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। ये घड़ियाँ 24 घंटे में दो बार सही समय अभी भी बताती है, क्योंकि ऐसा कहते भी है ना कि 12 घंटे में बंद घड़ी भी एक बार सही टाइम जरूर दिखाती है। और ट्रेन के इंजन के मॉडल वाली घड़ी तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फैमिली एंड फ्रेंड्स में, सब में शेयर कीजिए। आपको कोई लॉस नहीं होगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा। और ये बिल्डिंग है म्यूजियम के पीछे की तरफ, बाहर की तरफ की। वैसे तो पूरा का पूरा महल देखने के लायक है, लेकिन नहीं देख पाएंगे। ये महल संसार के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है। इसके बाद इतना बड़ा निजी महल कोई बना भी नहीं। महाराजा उम्मेद सिंह ने ब्रिटिश अधीन भारत में और अपने छोटे से कार्यकाल में जनता की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए, हर क्षेत्र में काम किए। इसीलिए उनको आधुनिक जोधपुर, आधुनिक मारवाड़ का निर्माता और जनक भी कहते हैं। और ये पैलेस भी उस समय बनवाया था जब इस इलाके में अकाल था, इसकी वजह से लोगों को रोजगार मिला। ये म्यूजियम का मेन एंट्री गेट है। जो लाइन से आप गैरेज देख रहे हैं, ये है विंटेज कार्स का, रॉयल गाड़ियों का, जो रॉयल फैमिली की हैं और सबकी सब रनिंग कंडीशन में है। राजाओं महाराजाओं द्वारा बसाए हुए इस जोधपुर शहर में और भी कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिनमें से कुछ आप मेरे वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप राजस्थान घूमने आते हैं और जोधपुर नहीं आते हैं तो कुछ अधूरा सा रह जाएगा। और यहाँ घूमने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक का होता है। उम्मेद भवन बनने से पहले ये परिवार मेहरानगढ़ किले में ही रहता था। ये किला बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, बहुत एक ऊंची सी पहाड़ी पे बना हुआ। आज भी किले में ऊपर ये तोप रखी हुई है, बिल्कुल खुले एरिया में। इनका पहले बहुत इस्तेमाल होता था। ये बिल्कुल सही कंडीशन में है। एक बहुत बड़ी चट्टान पे बना हुआ ये मेहरानगढ़ का किला। यहाँ की दीवारों से आप दीदार कर सकते हैं जोधपुर सिटी का, सन सिटी और ब्लू सिटी का। यहाँ का मुख्य दरवाजा है, काफी बुलंद और मजबूत है। और जब राजा लोग बाहर निकलते थे तो हाथी पे ये चीज़ रखी जाती थी, जिसपे छाया भी हो जाती थी और बैठने के लिए गद्दी भी होती थी। राजकुमारियाँ, रानी और महारानियाँ जब बाहर जाती थी तो ऐसी पालकियों में ही बैठ के जाती थी। और यहाँ आप देखिए पोर्टेबल चेयर एंड टेबल, और साथ में है अम्ब्रेला। मेहरानगढ़ किला बहुत ऊँचाई पर बना हुआ है। ये किला अंदर से बहुत सुंदर है, देखने लायक है। इसमें बहुत सारे रूम हैं। इस महल को अंदर तक हम पूरा देख सकते हैं। इसमें इतनी बारीक कारीगरी की हुई है जो बारीकी से ही देखने लायक है। ये जालीदार खिड़की और झरोखे बहुत ही सुंदर है। कुछ और बातें उम्मेद भवन पैलेस के बारे में। ये इस पैलेस में 347 कमरे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने स्पेशल इवेंट यहाँ सेलिब्रेट करने आते हैं। नीता अंबानी ने अपना एक बर्थडे यहाँ मनाया था और मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनास के साथ शादी इसी होटल में की। गर्मियाँ शुरू हो गई है, पानी वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। और आज आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग करते समय वीडियो कोई भी वीडियो मत देखिए, चाहे कितना भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो। लेकिन हाँ, सफ़र ख़त्म हो जाए, मंजिल पर आप पहुँच जाए तो आराम से बैठ के वीडियो को ज़रूर देखिए।
अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि उससे मेरी मेहनत सफल हो जाती है। वीडियो बनने में बहुत मेहनत लगती है। इतिहास में अपना नाम कमाने वाले, हर क्षेत्र में विकास करने वाले और विमान सेवाओं में अपना भरपूर योगदान देने वाले महाराजा उमेद सिंह को ऑनरेरी एयर कमांडर, ऑनरेरी एयर मार्शल, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट जनरल की उपाधियों से ब्रिटिश आर्मी ने अलंकृत किया। महाराजा का शासनकाल 1918 से 1947 तक रहा। 44 साल की उम्र में 1947 में अपेंडिक्स अटैक आने की वजह से उनकी डेथ हो गई। सी यू सून इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड न्यू वीडियो। कीप वॉचिंग। थैंक फॉर वॉचिंग।